ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੀਗਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਰਾਜੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਅਭੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤੇਂ ਕਰਤੇ ਥੇ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿਣੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਮਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਲਈ। ਰਾਈਟ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਫੀਸ ਹੈ जो बढ़ेंगी वो है फ्रॉम 1 अक्टूबर। रेजिडेंस वीजा है जैसे 6450 जी, बहुत ज्यादा फीस है एज यू कैन सी, जिस तरह से लोग अभी न्यूजीलैंड में भी कह रहे हैं जी यहाँ चल जाएगा तो उसको टू मच कॉस्ट ऑफ द कम्युनिटी। यू माइग्रेंट जो मैं वर्क वीजा पे काम कर रहे हैं रेजिडेंस तो वही अप्लाई करेंगे जी, उनके लिए जो आपके वर्क टू रेजिडेंस की है सारी फीसें इन्होंने बढ़ा दी है। सारी जो रेजिडेंस की सारी फीस है वो $5,000 से ऊपर की है। अच्छा जी, हाँ जी, राजी बाद में हम लोग जो क्रिमिनल कंटेंट है उसके बारे में जो कानून है खासतौर पे ट्रैफिक ऑफेंसेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक्रेडिटेड वर्क वीजा पे यहाँ पे लोग आए हुए हैं उनके सर के ऊपर अभी तलवार लटक रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको कोई प्लान ऐसा है कि यहाँ पे सेटल हो जाएं, वो इनसिक्योर फील ना करें, उनके लिए आपके जहन ऑप्शंस तो काफी हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस फी इंक्रीज। तो मैं अपने कम्युनिटी जो हमें देख रहे हैं उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा, अगर आपने करना है फ्यूचर में तो उसका प्लान अभी कर लो कि 30th September तक, अभी भी आपके पास तकरीबन 1.5 महीना है, अगस्त से सितंबर है, तो जितनी जल्दी हो सके अपना रेजिडेंस अभी अप्लाई करो, अपने पार्टनरशिप के वीजाज या स्टूडेंट वीजा जो भी आपने अप्लाई किए तो आप जो करंट फी है उसी के अंदर अप्लाई कर सकते हो। दिस माय एडवाइस ऑन दिस फी इज, अदरवाइज आपको पता है जो 1st October के बाद देन यू विल पे डबल ऑफ द फीस। जी जी, तो जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा है उनके लिए काफी ऑप्शन है भी यहाँ पे। We won't talk on the negative side कि उन्होंने जितना hard किया चेंज किया है। इमिग्रेशन का जो चलता है वो आपका भी मेरा भी 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, they become more and more harder, they are never going to do it easy। वो एक अलग टाइम था जो रेजिडेंस 21 का दौर आया और एक जो accredited employee work visa तकरीबन एक साल काफी लोग यहाँ पे आए, तो ये कोई एक टाइम होता है जब लोग आ पाते हैं या माइग्रेंट हो पाते हैं, नहीं तो मैंने 2001-2003 के बाद this was the biggest like you know where people get residence visas and work visas। अब खैर काफी कम्युनिटी है यहाँ, अब साथ में जैसे आपने कहा उनका फियर भी है, डर भी है, चैलेंज भी है, घबराहट भी है कि फ्यूचर में क्या होगा, तो नेचुरल जो यहाँ पे 2 साल के वीजे पे है या 3 साल के वीजे पे है या 5 साल, क्योंकि अभी ये 3 कम ही चल रहे हैं लोगों की, तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। वी टॉक अबाउट लो स्किल, जैसे काफी लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में हैं, हॉर्टिकल्चर में हैं, हॉस्पिटलिटी में हैं, कंस्ट्रक्शन में, तो जो 2 साल के वीजे पे 3 पे इवन 5-5 साल, और ये लोग वो आए हैं जो मैं उनको ऑप्शन दे रहा हूँ जो आए थे नो एक्सपीरियंस नो क्वालिफिकेशन के बेस पे, 5 साल के वीजे निकले थे, यू नो 3 साल का था टाइम और 2 साल, तो इनके लिए जो एक अच्छी ऑप्शन है अगर वो 2 साल के वीजे पे हैं या 3 साल पे है, हमारी नो क्वालिफिकेशन नो ऑप्शन है तो हमारे पे क्या होगा, तो एक स्टूडेंट का कोर्स है जो ऑनलाइन है जो आप वो जॉब करते हुए कंप्लीट कर सकते हो, वो लेवल 4 का कोर्स है, फुल्ली NZQ रिकॉग्नाइज्ड होंगे वो कोर्सेज, एंड अगर वो करेंगे तो जॉब पे रहते हुए एक तो उनको अपना वीजा चेंज नहीं करना, स्टूडेंट वीजा पे नहीं कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है, दूसरी चीज उनको आईएलटीएस नहीं देना विदाउट आईएलटीएस, तो लेवल 4 की क्वालिफिकेशन 6 महीने में आपको प्रैक्टिकल्स के साथ, जैसे आप हॉर्टिकल्चर में काम कर रहे हो तो आपको लेवल 4 हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा, अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हो तो लेवल 4 कंस्ट्रक्शन का, तो जो भी आप काम करोगे बिल्डर है, यू नो रूफर है, तो उसके बेस पे फिर व्हाट हैज टू बी रिलेटेड टू द वर्क,
वर्क या जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप किचन हैंड में काम कर रहे हो, हॉस्पिटलिटी में, किचन में, ज्वाइनरी का हो गया या हाँ अगर कारपेंटर का है, ज्वाइनरी का है, कैबिनेट मेकर है, तो उस तरह से उनकी फिर वर्क टू रेजिडेंस की ऑप्शंस ओपन हो जाएंगी। ऐसे ही जो लोग कंस्ट्रक्शन में है उनका ये हो जाएगा जो आपने बोला। फिर आपके हॉस्पिटलिटी सेक्टर में तो उनका लेवल 4 का अगर यू नो प्रोफेशन नौकरी आपको मिलती है तो फिर आप यू कैन हैव बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। और हॉस्पिटलिटी का लेवल 4 का अगर आपके पास होगा तो आप कैफे मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर के वीजे भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप 2 साल पे, 3 साल पे, तो वो आपका 5 साल का वीजा हो जाएगा। तो इस तरह। और अभी जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा, उनकी फैमिली भी है, बिल्कुल सही पार्टनर, चाहे उसमें वाइफ है या हस्बैंड, काफी ये ऑप्शंस उन लोगों के लिए भी ओपन है कि जो कभी हस्बैंड कोई काम कर रहा है तो वाइफ के पास डिफरेंट ऑप्शन है। इसमें हेल्थ केयर भी है, व्हाइल दे आर वर्किंग दे कैन हैव, अगर उनके पास हेल्थ केयर की क्वालिफिकेशन नहीं है, फुल टाइम वाइफ हेल्थ केयर का काम क्वालिफिकेशन ले सकती है। ओके, और इसकी फीस भी काफी कम है, 7.5 हज़ार की फीस, राइट? हां, तो उसके अंदर यू कैन बी, सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम टू स्टे हियर। अगर वो 2-3 साल के वीजे पे, तो उनको 5 साल का वीजा बढ़ जाएगा जी। एंड लेटर ऑन दे कैन बी ऑन पाथवे टू रेजिडेंस इन टर्म्स ऑफ वर्क टू रेजिडेंस इन ट्रेड कोर्सेस, जिसके थोड़ा हायर पे रेट है। तो अब दूसरी ऑप्शन आती है इसमें, ये तो हो गया जो स्टडी से अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन व्हाइल दे आर वर्किंग। सेकंड ऑप्शन ये है कि दे कैन गो फुल टाइम इन स्टडी जी, चाहे वो बैचलर डिग्री पढ़ें या लेवल 8 या मास्टर डिग्री। आई नो कम्युनिटी के लिए काफी हार्ड है, बट दिस इज अनदर ऑप्शन, क्योंकि काफी लोग ऑप्शन ले रहे हैं अभी भी नर्सिंग की, अर्ली चाइल्डहुड टीचर, बिकॉज वो ग्रीन लिस्ट के हैं, स्टेट टू रेजिडेंस है, सेकेंडरी, बिल्कुल बिल्कुल वो चल रहा है, दिस इज वेरी गुड ऑप्शन एज वेल जी। और एक जो इंडियन जो जिसे नर्सेज है उनके लिए एक और ऑप्शन है, एनरोल्ड नर्स का भी ऑप्शन है, उसमें 2 साल का कोर्स है। उसमें क्या है, आयर्स जो 7.0 नहीं चाहिए उसके अंदर, उसमें 6.0 चाहिए, 2 साल का कोर्स कर सकते हैं। ऑकलैंड में भी है, क्राइस्टचर्च में भी है, और वो ग्रीन लिस्ट का है एज वेल, दे विल गेट द जॉब एज ए असिस्टेंट नर्स स्ट्रेट अवे, दे कैन अप्लाई रेजिडेंस वीजा एंड दैट ऑन अ एनरोल्ड नर्स। न्यूजीलैंड दे इमीग्रेशन दे कानूनां दी व्याख्या राज प्रदीप सिंह कर रहे हैं, मैं याद करा दें इस गलबात दे विच स्क्रीन दे उत्ते अप ट्विटर दे विच लेवल 1 बार 31 इस पार्टी दे प्रॉपर्टी दे विच दफ्तर है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 09 ਕੋਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਾ 2799439 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ office@legalassociates.co.nz। ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਸ਼ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਵਾਲ? ਹਾਂ, इमिग्रेशन में फिर दूसरी ऑप्शन है इनके अंदर जो उनका पे रेट है। काफी लोग यहाँ पे $29, $66, $30 पे हैं, और आज की डेट में आपको पता है जो पे रेट है रेजिडेंस वीजा का वो है $31, $60। तो अब जो है हाई पे रेट है उसको 1.5 टाइम्स है, वो है 47.4। आपका कोई भी पोजीशन है किसी भी एरिया में नो प्रॉब्लम, अगर आपका पे रेट 47-41 है तो वो भी आपको 3 पॉइंट देता है। और उस पे रेट पे अगर आप 3 साल काम करते हो तो स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर आफ्टर 3 इयर्स 6 पॉइंट के साथ विद आयर्स यू कैन अप्लाई रेजिडेंस वीजा। तो ये जितने भी एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीजा वाले हैं सबके पास ये बहुत, और इसी में एक और डबल पे रेट है जो 31-61 का डबल है, दैट्स अराउंड लाइक $63 के आसपास, तो उसका 4 पॉइंट्स मिलते हैं एंड आफ्टर वर्किंग 2 इयर्स इन न्यूजीलैंड तो 2 साल के बाद वो भी रेजिडेंस क्वालिफाई। एक तीसरा पे रेट है जैसे अराउंड $94 पर आवर, उसके सीधे 6 पॉइंट है। अगर आपके करंट जॉब पे ये पे रेट अगर आपका है तो हम स्टेट अवे आपका विदाउट क्वालिफिकेशन, विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, हम आपका रेजिडेंस हैज टू बी 30 आवर्स अ वीक मिनिमम, 94 डॉलर्स पर आवर। तो ये तो हो गया पे रेट के हिसाब से जी। दूसरी ऑप्शन इसके अंदर होती है अगर आपके रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रीशियन का है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन जी, प्लम्बर्स की, तो उनके जो रजिस्ट्रेशन है टीचर्स से नर्सेज हैं उनके बेस पे दैट यू कैन अप्लाई इफ यू डोंट वांट टू वेट फॉर या 2 इयर्स करेक्ट। अगर वर्क टू रेजिडेंस नहीं करना चाहते, अर्ली चाइल्डहुड वाले हैं वो 2 साल के उसमें आते हैं, बट लेकिन आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप सिर्फ 1 साल काम करके स्टिल यू कैन अप्लाई फॉर स्किल्ड माइग्रेशन पे 6 पॉइंट। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर देम स्टिल
only they need to upgrade their skills yes. or their qualifications. Both cool. Raj bhai, let's touch base on traffic offenses. हमारे बहुत से भाई बंधु हैं जो confused हो जाते हैं कि ये मामला जो है वो आगे जाके बिगड़ भी सकता है. बिल्कुल, और बिगड़ता है. consequences के बारे में तो लोग अंदाजा नहीं लगाते. तो प्रवीण जी, इसमें एक चीज तो मैं पहले बताता हूँ, लाइक प्रिकॉशन. जो ट्रैफिक मैटर्स में जैसे काफी टाइम ही आता है, डेंजरस ड्राइविंग, केयरलेस ड्राइविंग, ड्रिंकिंग, स्पेशली इफ यू इंजर्ड समवन. करेक्ट. तो वो केयरलेस या डेंजरस में आता है, किसी का नुकसान हुआ या इवन आपने अपनी गाड़ी का नुकसान किया है, एक्सीडेंट हो जाता है, राइट ऑफ हो जाती है. तो पहली चीज तो ट्रैफिक के अंदर ये है, अगर आपने ड्रिंक किया है या यू हैड अ गुड टाइम, गुड पार्टी, गुड फूड, डोंट ड्राइव. ये सबसे बेस्ट है प्रिकॉशन. लेकिन कई बार पता नहीं लगता, सोचते हैं कि नहीं घर पास में है या वर्क पास में है या मैंने लिमिट उस तक. हाँ, वेरी लिमिटेड कि मैं तो पूरे होश में और आपसे चला सकता हूँ. आई वॉन्ट बी एबल टू गेट इन टू ट्रबल इन टर्म्स ऑफ यू नो केयरलेस ड्राइविंग या डेंजरस भी ठीक है. लेकिन आपको पता जब पुलिस वाले की जब वो चेक लगे होते हैं चेक पॉइंट्स, वेदर इट्स इन सबर्ब्स और मोटरवे, तो उस टाइम लोग फिर ट्रबल में आ जाते हैं. तो जो डेंजरस ड्राइविंग है या केयरलेस ड्राइविंग है, केयरलेस में तो फिर भी आपको डाइवर्जन मिल सकती है ऑन लाइटर साइड. लेकिन अगर किसी का नुकसान हुआ, कई बार लोगों की फेंस या टूट, मैं वही कुछ नहीं है दो स्टोरीज आपको देता हूं. एक तो किसी का फेंस तोड़ दिया मैंने, दूसरा मैंने किसी बंदे को इंजर्ड कर दिया. दोनों में फर्क क्या है? दोनों में ये कि अगर आपने बंदे का एक्सीडेंट किया है, सो इट्स मोर सीरियस. इट्स फेंस हुआ या किसी और गाड़ी का नुकसान हुआ, दैट्स काइंड ऑफ एक्सीडेंट. यू नो एक्सीडेंट आपको पता वो होता है, दैट कुड बी हार्मफुल टू द रेजिडेंट. हाँ, करेक्ट. बट वो है कि केयरलेस ड्राइविंग तो काउंट हो गई क्योंकि वो एक्सीडेंट है, इट्स नॉट योर इंटेंशनल. बट बंदे को आप देख रहे हो कि यार सामने यू नो फुटपाथ पे जा रहा है एंड यू आर जस्ट गोइंग टुवर्ड्स दैट, सो व्हाट इज योर इंटेंशन, व्हाट यू डिड, यू नो ऑल दैट. तो मेनली ये भी एक्सीडेंट ही है, बट उसके अंदर उनको डाइवर्जन नहीं मिलता, बट उनको फाइन या जो क्रिमिनल कन्विक्शन है वो हो जाता है. ऐसे ही जो अपना ड्रिंक ड्राइव है, उसके अंदर 6 months की मैंडेटरी डिस्क्वालिफिकेशन है, और जो आपकी कन्विक्शन है वो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का रिकॉर्ड है, जो यहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड बोलते हैं, उसके अंदर आपका वो आ जाता है, जो आपकी जो वेदर मॉर्गेज है, फुल टाइम वर्क है, या आपका डिस्क्वालिफिकेशन वो 6 months, वो सारी चीजें आपकी जो जनरल लाइफ है उसको इफेक्ट करता है. क्योंकि आपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, आपने अपने पेरेंट्स को कहीं से पिक भी करना है जी. और आप पुलिस ने भी चार्जेस तय नहीं किए, यू अंडर एक्टिव इन्वेस्टिगेशन, तो उन हालात में कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी का से वायलेंस से रिलेटेड है, whether it's a domestic violence or it's a indecent assault or something, जिसके अंदर किसी दूसरी पार्टी ने कंप्लेंट कर दी है, यानी यू आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, या कोई ड्रग्स का है, उसने वहां से नहीं दिख रहा है, कोई और इंसिडेंट है, तो उसके अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब इंटरव्यू करते हैं स्पेशली उनका, तो ये एडवाइस होगी कि वो पुलिस में जब इंटरव्यू करें तो पहले बोले कि आई नीड माय लीगल रिप्रेजेंटेशन. लॉयर का होना बहुत जरूरी है, एंड सो मेनी टाइम्स इफ यू डोंट से एनीथिंग इट्स मच बेटर फॉर यू, बिकॉज़ पुलिस नीड टू मेक दैट यू नो केस. और कई बार ये था कि नहीं, मैं अपनी साइड एक बार बता दूं अच्छी तरह, देन पुलिस कैन डिसाइड ना कि वो कैमरे चार्जेस कौन से लगे, हां कि मेरी लगने भी है या नहीं. हां बिल्कुल, इन दैट इंस्टेंस बट आई वुड से कि डू इट विद योर लॉयर, सो he will advise you कि आपने इसके अंदर कैसे करना है. इस टाइम जब हम मीटिंग्स में हम बता दें कि आपने अभी कुछ बोलना है, आपने कुछ नहीं बोलना, my client needs a break, he just need to think over it, you are allowed to do that. Very good. हाँ, तो इसमें बहुत जरूरी है, जब आपके ऊपर चार्ज नहीं लगे, you are under investigation, so you need to really think कि भी आपके ऊपर चार्ज ना लगे, and things can be sorted out without that. एक मामला और भी है जो बार बार हमारे भाई बंधुओं के सामने आता है. एक तो ये, सपोज कोई आपकी खड़ी हुई गाड़ी में, पार्क की हुई गाड़ी में गाड़ी मार के चला गया, yes. उसके बाद पुलिस ने काम बहुत बढ़िया ढाला किया उसको निकालने में, उसकी डिटेल्स लेने में, तो इतने में आपकी इंश्योरेंस कंपनी है उसके पास ज्यादा है नहीं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमें पुलिस ने कन्फर्म नहीं किया आपकी गाड़ी में कौन सा बंदा गाड़ी मार गया, वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही. उन हालात में इमिग्रेशन जब आपको अगर थर्ड पार्टी
जिसने इंसिडेंट किया है, अगर उसकी डिटेल मिल जाती है एंड देन व्हिच यू प्रोवाइडेड टू कि इसने किया है जी, देन जो आपकी एक्सेस है और जो उनका इंश्योरेंस का खर्च है वो फिर उनकी इंश्योरेंस का, उसमें आप अपनी सर्विसेज देते हैं ऐसे केसेस में? ये थोड़े पिटी क्रिमिनल क्राइम, इसके अंदर हम काम नहीं करते ज्यादा, क्योंकि इसमें डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ज्यादा होता है, अगर इनकेस ऑफ डिस्प्यूट भी होता है लाइक अंडर $30,000 तो फिर वो डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स में चले जाते हैं, हम इसके अंदर ज्यादा एक्टिव करते हैं। हमारा कोई भी काम होता है अगर कोई इस तरह का 50,000 से वो है अगर कोई भी हाँ डिस्प्यूट है, कोई डेट कलेक्शन है, अगर इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स वी डू इट, और क्रिमिनल भी हम प्राइवेट करते हैं, हम लीगल एड वाला काम नहीं करते। इसके अंदर हम थोड़े बड़े बड़े डिफेंडेंट हियरिंग के वेलकम करते हैं, काफी अच्छे हाई चार्जेस होते हैं 7 years, 10 years, मतलब सब मनी लॉन्ड्रिंग, असॉल्ट, वुंडिंग, जर को चोट लग जाती है, आ जाता है या कोई यू नो हाथ या पैर में कुछ फ्रैक्चर हो गया, लाइक हार्ड असॉल्ट इतना ज्यादा हुआ, सो दिस काइंड ऑफ वी डू। दैट्स राइट, सपोज एक कैमरा है, कैमरा के सामने से गाड़ी गुजरी ओवर स्पीड पे, उसका टेकिंग घर पे आ गया, उसकी फाइट करनी है, तो फाइट करते करते आदमी को लगता है यार मैं तो गाड़ी चला नहीं रहा था, ये पुलिस ने टिकट भेज दिया। करेक्ट, तो वो जेपी से अटेस्ट करवा के फिर वो पेपर भेजने का है, वो एफिडेविट होता है जो आपके घर पे डिस्क्लोजर टाइप होता है जी, तो वो आपने एफिडेविट पूरा बनाना है, वो आपने जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसकी डिटेल्स एंड देन जो आपके टिकट या चार्जेस है, क्योंकि आपको पता है इसमें दो तरह के हैं, अगर वो जो गाड़ी है किसी ने कैच किया है, पुलिस कैमराज करते हैं खड़े होके, अगर वो 50 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रहा है तो ही कोर्ट जाना पड़ता है, अगर 50-40 किलोमीटर उससे कम है देन यू गो टू टिकट इन्फ्रिंजमेंट जो नोटिस होता है वो भर देते हैं। तो जनरली जो आप कह रहे हो ये वाले मैटर है कोर्ट जाते हैं हाई स्पीडिंग वाले जी, हाँ जो जैसे 50 के 100 पे ये केसेस हमारे पास आते हैं, इट्स अनफॉर्चूनेट फॉर द कम्युनिटी एज वेल, सो यू वांट टू टेल एवरीवन, आई मीन इफ यू आर यंग और योर मदर फादर और यू वांट अ न्यू कार दैट्स फाइन, आई मीन दैट्स योर पर्सनल सर्कमस्टेंसेस, बट प्लीज डोंट टेस्ट एंड ड्राइव इन बिकॉज़ जो कोर्ट है या पुलिस है वो पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए काम करती है। एग्जैक्टली, जो 50 की स्पीड पे है आप खुद सोचो कोई प्रेम में अपने बच्चे को लेके जा रहा है, बुजुर्ग जा और कोई बुजुर्ग पास कर रहा है और आप 50 की स्पीड में 105 पे चल रहे हो, वो जज नहीं कर पाए हाउ यू ये गाड़ी कितनी जल्दी मेरे पास स्टॉप, हाउ यू विल बी टू स्टॉप, अगर आप ही कह रहे हो नहीं मैं हूं मैं मेरे कंट्रोल में हूं, हाउ यू विल बी टू स्टॉप, वो चीज देखते हैं नेचुरल है। और फिर आपको पता ही अगर 100 डिमेरिट पॉइंट से ज्यादा हो तो यू आर 3 मंथ्स डिस्क्वालिफिकेशन, ऐसे केस भी बहुत आते हैं। या हमारे पास काफी केस आते हैं इस तरह के, सो वी मैनेज एवरीथिंग एंड वी डील विद एवरीथिंग, जैसे ट्रैफिक मैटर, असॉल्ट मैटर, डोमेस्टिक वायलेंस या थेफ्ट वाले या यू नो बर्गलरी वाले, सो ये केस मेरे बताइए आपने नेगोशिएट किया हो, चार्जेस 3 से 8 रह गया हो, डाइवर्जन तक बात चली गई, करेक्ट करेक्ट, ऐसे होते हैं जैसे एक बार इनडिसेंट असॉल्ट का चार्ज था मेल के ऊपर थ्रू अ फीमेल, ओके या but they didn't had contact like mileni but in December won't go into detail and police ne charge kiya, uske baad wo mere paas aaya that we get the summary of facts and everything, jab maine pura dekha this is maine kaha with the prosecutor and the principal talk to investigation officer as well and I told him looks to me it's overcharge, it's from indecent assault, can we do this like an offensive behavior, so instead of criminal attack mileni instead of a criminal act can we do into summary offences act, okay, to summary offences act mein hota hai jisme jo saza 3 mahine se kam imprisonment hoti hai then they can consider for diversion, to natural hai jab wo indecent assault se change ho gaya jab wo offensive behavior pe aa gaya to fir discussed at diversion and then he is eligible and he had a diversion meeting to uski bhi pata aapko conditions community work, you need to do some donations till you remorseful about your, you know, situation, jo bhi hua, mere se galat hua, mujhe nahi karna chahiye tha, and now I learned my lesson. That's why they give back to the community in terms of community service and fine and donations. To usne wo kiya and then diversion khatam ho gayi. Diversion ka sabse bada fayda pramandir yehi hota hai ki aapka criminal record nahi milta. Yes. So that's what you want to achieve. Even though it's not the start of the conviction.
नो या इट्स डिफरेंट, दैट्स अ सेपरेट. डायवर्जन इज मोर इजियर देन डिस्चार्ज विदाउट कनेक्शन, जो हम ट्रैफिक मैटर्स में कई बार करते हैं, डेंजरस में या असॉल्ट में या इवन डोमेस्टिक वायलेंस में, व्हेन दे लर्न देयर लेसंस अगेन कि इतना मेरे को वायलेंस नहीं होना या मेरे को इतना ड्रिंक नहीं करना, अगर मैं कोर्स कर करेक्ट लिया ये डेंजर कर लिया या एक्सीडेंट्स में या डेंजरस में, डू इट सेफ ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग, एडवांस ड्राइविंग स्किल्स, तो उनको फिर हम डिस्चार्ज विदाउट कनेक्शन में जाते हैं. तो उसमें भी वो ये कि यू डोंट हैव योर क्रिमिनल रिकॉर्ड, सो दिस इज गुड फॉर द पर्सन बिकॉज दे हैव लर्न. एंड जनरली आवर कम्युनिटी के वो है रिपीटेड ऑफेंडर्स, दैट्स द I was about to ask about the हमारी कम्युनिटी में कैसे ट्रेंड्स हैं, क्योंकि नंबर्स आर कमिंग अप. या नंबर्स आर गोइंग अप, दैट्स फॉर श्योर. एंड अगेन उसके लिए वही है, तो लोगों को यहाँ की अवेयरनेस नहीं है, दैट्स द मेन. एजुकेशन की कमी, जैसे मैंने कहा कि लोग अपना ड्रिंक पार्टी में जा रहे हैं, अच्छी फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम है, उस टाइम होता है उनको दो की बजाय चार ड्रिंक्स लग गए, दे फील नॉट स्टिल वी आर फाइन, वी आर ओके टू ट्राई, बट एज पर देयर रीडिंग दे आर नॉट ओके टू ट्राई, दैट्स व्हाट दे गॉट. तो इग्नोरेंस होगा. ऐसी जो फैमिली के होते हैं बच्चों के साथ, जो वायलेंस के होते हैं या अब्यूजिव बिहेवियर्स के होते हैं, सम टाइम इट इज देयर कि नहीं ये तो हमारा कम्युनिटी में है या हमारे घर में ऐसे है. ऑफ कोर्स यू मेक अ मिस्टेक एंड देन वंस यू लर्न दैट यही तो लोग हैं जिनको मेरे सबसे करीब है, जिनके लिए मैं काम या मेहनत करता हूँ, या अदरवाइज यू नो फीमेल बी के भी हमारी शादी है, बच्चे हैं, फ्यूचर है, दैट्स हाउ दे रियलाइज एंड दे डोंट डू दैट मिस्टेक अगेन वंस दे लर्न के यार ये बहुत ज्यादा. क्योंकि वेल कंडीशन आपको पता इतनी होती है कि लोग 6 महीने से 1 साल तक दे कांट स्टे टुगेदर, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ यू नो डोमेस्टिक. This may sound a little bit off track question, Raj bhai, but recently मैंने नोटिस किया कि न्यूजीलैंड के जेलों में 252 प्रिजनर्स अपने इंडियन हैं, तो उनमें से ज्यादातर जो थे वो डिसऑनेस्टी के ऑफेंसेस, अंडर एज लड़कियों के साथ उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर रहा, ये ज्यादा है. आपने जो बीच में बात किया कि कई बार उनको पता नहीं होता कि जो अभी मैं कमिट कर रहा हूँ इसके कॉन्सिक्वेंस न्यूजीलैंड के लोग, उसमें भी एक बड़ी शार्प लाइन रहती है. आपके पास बहुत से लोग आते हैं प्रॉपर्टी का मैटर, पैसे गौरव किए वापस नहीं किए, तो आप भी उनको कई बार सीधा सीधा आपको बोलना पड़ता है बिकॉज देयर इज शार्प लाइन बिटवीन सिविल मैटर एंड द पुलिस मैटर. तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमें जरूर दीजिए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में ये चलन अभी ज्यादा हो गया है. तो उनको गाइड करने के लिए आपकी तरफ से कुछ ना कुछ सुनना जरूर चाहता हूँ. बिल्कुल. सी टू थिंग्स, वन इज अबाउट मनी लेंडिंग एंड ऑल दैट, वेदर इज अ पर्सनल लोन, वेदर इट्स यू नो समबडी एल्स. तो हमारी कम्युनिटी में डिफरेंट तरीके के लोन चलते हैं फैमिलीज के बीच. उसके अंदर क्या पेपर वर्क नहीं होता है, तो मेरी एडवाइस होगी पेपर वर्क करो, चाहे आप किसी को $1,000 दे रहे हो, बिग अमाउंट, बट फॉर सम इट मे बी आपस में दे रहे हैं, तो मेरा दुख का जान का है, मेरे गाँव का है, पंजाबी हम काम साथ करते थे, दूसरी सिटी का, अप एंड डाउन सबके साथ आते हैं, दैट्स नॉट प्रॉब्लम. तो वो पेपर वर्क जरूर करो, अपने लोन एग्रीमेंट प्रॉपर पेपर वर्क कराओ, जैसे मैंने कहा अंडर $30,000 का आपको ट्रिब्यूनल में जाता है, वो सिविल के. yes. दूसरी होती है इंटेंशन की, एक ही बंदा 5 लोगों से 5,000 लेके और मैं सिर्फ छोटे अमाउंट की बात, नहीं सही आपकी बात, मैं वही पे आने वाला था. तो ये दिस इज नॉट गुड. और इसके अंदर फिर कई बार पुलिस भी वो देखती है कि ये तो तुम्हारा पर्सनल, जब तक वो इंटेंशन या उसका जो बिहेवियर होता है 6 बंदों के साथ, वही हाँ बिहेवियर उसका जब तक प्रूव नहीं होता. या आपको पता है काफी टाइम आजकल तो ऑनलाइन स्कैमिंग भी है एंड अपना क्रेडिट कार्ड स्कैमिंग भी है, और जो आपने कहा इंश्योरेंस का वो भी है. मैंने भी काफी केस इंश्योरेंस के किए हैं डिसऑनेस्टी वाले के, जिसके अंदर गाड़ी ले ली उन्होंने, हाई इंश्योरेंस करा ली, और या तो थेफ्ट हो गई है या डैमेज हो गई है या बर्न हो गई है. They got all the evidence on that. जब वो करते हैं अपना क्लेम, तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन तो अपनी तरफ से, और वो बड़े जबरदस्त मामले होते हैं. हाँ कि वेरियस ईयर में, हाँ एंड दे चेक नॉट, दे आर लाइक 4-5 किलोमीटर्स अवे कौन सा कैमरा था, कौन चला रहा था, क्या कर रहा था. सो दे काइंड ऑफ फैक्टर यू नो ऑन दैट यू चार्ज विद किसी के, एक तो अपने अपने गाड़ी जो भी ली 5-10 हज़ार की, आपने 50,000 की इंश्योरेंस करा ली. यस ठीक है, उसके बाद आपने वो भी नुकसान कर दिया, वो भी, एंड देन यू गॉट अ क्रिमिनल केस ऑन योर हैंड्स. This is not, और वो उनका होता है, या तो उनके expense ज्यादा है, या किसी को पैसे देने हैं, या extra money. Advice वही है कि अपनी मेहनत करो और कमाओ, you know, they have come here,
माइग्रेशन इसीलिए हुआ कि अच्छे देश में इन हालातों में सपोज जो भी ब्रेन ड्रेन हो रहा है या पड़ोसी मुल्क ऑस्ट्रेलिया में, इन हालातों में एक बंदे ने पैसे लिए और भाग गया ऑस्ट्रेलिया, हालातों में फिर कोई उम्मीद रखें कि वकील या पुलिस या देश का कानून जो है वो कुछ ना कुछ ग्रिप कर सकता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं रिटर्न वाले, देन लॉयर्स, पुलिस, यू नो योर डेट कलेक्शन एजेंसीज, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया इज वेरी इजी एक्चुअली। यस ठीक है, तो मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे भी कई ऐसे लोग होते हैं जो हमने किए हैं, यहाँ पे लोन लिया लेके चले गए, बट वी कॉन्टेक्टेड आवर कलेक्शन एजेंसी हियर, दे हैड देयर ब्रांच देयर, उनके वहां पे भी ब्रांच थी, दे कलेक्टेड वेरी गुड, वेरी गुड, they told them very clearly that these are the documents, this is what you said, and you need to pay back. So they have an installment plan, they have to pay it, they have to agreement even, of course. Yes. And they paid them back. Very. Yeah. अपने बंदों को और आप क्या गाइड करना चाहेंगे, क्योंकि ट्रैफिक ऑफेंसेस अकेले ही क्रिमिनल उसमें नहीं आते, क्रिमिनल मैटर में और बहुत कुछ है, तो आप किन किन चीजों के साथ डील करते हैं, लोगों को एटलीस्ट पता होना चाहिए, देखो वो प्लीज एक बार जरूर बताइए। हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा वायलेंस में भी डील, मनी लॉन्ड्रिंग में भी डील, एंड असॉल्ट्स में यही करते हैं। व्हाट वी डोंट डू इज मर्डर, ड्रग्स एंड रेप केसेस, बिकॉज़ अगेन देन यू आर डीलिंग विद हार्डकोर एज यू, और जो हमारा होता, हमारा होता कम्युनिटी के जो अच्छे लोग हैं, बाई चांस दे आर इन ट्रबल, advise them, guide them, so they can move on with their life, not That's to deal with hard criminals just because of money. And jaise aapne kaha, jo bhi ye 200-250 log, you know, underage logon ke saath rape ke case mein ya sexual, you know, interaction ke case mein ya online jo log karte hain ya whatever other they have done, so based on that they are there, so they had that kind of, you know, intention to do something. ऐसे लोगों को यू नो हेल्प करना बहुत जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम वो लोग आपकी जो हेल्प है, आपकी जो गाइडेंस है, उसको अप्रिशिएट भी करें एंड बिकम ए बेटर पर्सन, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। वेरी वेल सर, सितंबर 2014 को अपना ये शानदार सफर अपने भाईचारे से शुरू करने वाले लीगल एसोसिएशन के लिए अगले महीने 10 वर्ष पूरे हो जाने, और इन 10 वर्षों के बीच राज जी ने बहुत सारे लोगों की बहुत हेल्प की थी, बिल्कुल जी, जो स्कूल टाइम है उसमें हम अपॉइंटमेंट के साथ अपना करते हैं लीगल क्लिनिक, तो आप अपॉइंटमेंट ऑफिस में फोन करके अपॉइंटमेंट ले लो, हम आपसे मिलेंगे सुबह 10 से 12 बजे तक। स्कूल हॉलीडेज में नहीं करते, या जब लॉन्ग वीकेंड होता है तब हम नहीं करते, या सो वी डू दैट, वी ट्राई टू हेल्प यू नो एज मच एज, और जो काम हम नहीं करते उसके लिए हम आपको गाइड भी कर देते हैं कि आपको किस तरह के लॉयर की जरूरत है, आपकी प्रॉब्लम कैसी है, सो वी ट्राई टू जस्ट हेल्प। थैंक यू वेरी मच राज जी, मैं दर्शन है कि आज आशमा जी भावे शामिल नहीं हो सके, स्क्रीन के उत्ते उनकी डिटेल आ रही है, आशमा सिंह साढ़े भारत मूल के पहले नोटरी पब्लिक ने, सो उन्होंने नाल भी तुसीं ਹੁਣ ਵਾਕ ਇਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਦੱਸ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਰਾਜੀ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਆਪਕੇ ਵੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ। ਯੈਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਹੇ। That's what even, you know, I pray for everyone. Yes. For this, ke everyone who come to New Zealand with that high hopes and dreams. Exactly. They should, you know, work hard towards that achieve. Because unke saath wohi nahi, unke maa-baap, bhai-behan. Oh, exactly. Sabki, you know, umeedein unke saath judi hoti hain ki ghar se ek nikla hai. Probably, he will take the whole family, you know, to that high Bilkul. level. Bilkul.
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू स्क्रीन दे उत्ते डिटेल्स ने तुसी राज जी नाल जरूर इन टच रहना। अगेन आप सभी को भारत के जो स्वतंत्रता दिवस है इंडिपेंडेंस डे उसकी ढेर सारी बधाइयां एंड सत श्री अकाल जी। शुक्रिया जी, सत श्री अकाल। दोस्तों ये सन राज प्रदीप जी जिहड़े कि अपने बिजी रिजीम दे विचों समां कढ के साडे नाल हाजिर होए सन। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਆਸ਼ਮਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ 5:30 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ